स्वागत है आप सभी का दोस्तों। बात करेंगे आकाशदीप कहानी, जिसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जो है वो एक कवि भी है और एक लेखक भी है। उन्होंने कहानियां लिखी है, उपन्यास लिखे हैं, कविताएं लिखी है। उनकी कविता जो है उसके बिना हिंदी साहित्य अधूरा है। तो उस प्रकार जयशंकर प्रसाद की ऐतिहासिक कहानी आकाशदीप, आकाश और द्वीप दोनों जो है भिन्न भिन्न है। आप समझ सकते हैं आकाश कहाँ है, द्वीप कहाँ होता है। अब ये दोनों का मिलन असंभव है। इस प्रकार से एक प्रतीकात्मक रूप से इस कहानी में हमें ये बताया गया है कि किस प्रकार से चंपा और बुधगुप्त जो है उनके मन में किस प्रकार से प्रेम उत्पन्न होता है, किंतु वो प्रेम पूरा नहीं हो सकता। क्यों नहीं पूरा हो सकता? तो दोस्तों प्रसाद जी ने इस कहानी के माध्यम से नारी के मन में उद्भव जो होता है वह प्रेम और घृणा दोनों का परस्पर संघर्ष जो है, अंतर द्वंद्व जिसे कहते हैं, भीतरी युद्ध जिसे कहते हैं, भीतर का जो संघर्ष है वो प्रेम और घृणा, क्या करे, घृणा करे कि प्रेम करे, उस प्रश्न को जो नारी जो है उसको जगजोर देने वाले इस प्रश्न के माध्यम से हमें इस कहानी में बताया गया है। तो जिस प्रकार से कहानी की शुरुआत होती है तो बहुत ही सरल तरीके संवादात्मक शैली में ये कहानी की शुरुआत होती है। दोस्तों जिस प्रकार से कहते हैं कि बंदी क्या है, सोने दो, मुक्त होना चाहते हो, अभी नहीं, निंद्रा खुलने पर चुप रहो, फिर अवसर न मिलेगा, बड़ा शीत है, कहीं से कंबल डालकर कोई शीत से मुक्त कराता, आंधी की संभावना है, यही अवसर है, आज मेरे बंधन शिथिल है। तो क्या तुम भी बंदी हो? हाँ, धीरे से बोलो, इस नाव पर केवल 10 नाविक और प्रहरी है, शस्त्र मिलेगा, मिल जाएगा, पोत से संबंध रज्जू काट सकोगी? हाँ। तो ये इस प्रकार से एक बिल्कुल सरल शैली में, संवादात्मक शैली में एक कहानी की जो है वो शुरुआत होती है। बंदी को कहता है कि बंदी मुक्त होना चाहोगे। अब ये कौन है, जिज्ञासा वृत्ति भी यहाँ पर हमें पाठक को शुरुआत में देखने को मिलती है कि वो बंदी कौन होगा, कौन मुक्त होना चाहता है। तो दोस्तों ये जो कहानी है वो दो प्रवासी भारतीयों की कहानी है और इसमें आकाशदीप के माध्यम से बुधगुप्त और चंपा जो है उनके प्रेम की बात है। चंपा के मन में मचल रहे अंतर द्वंद्व, घृणा और प्रेम की अभिव्यक्ति जो है इस माध्यम से की गई है। जयशंकर प्रसाद ने इस कहानी में बताया है कि जिस प्रकार से बुधगुप्त जो ये था जलदस्यु का, जलदस्यु मतलब कि समुद्र में लुटेरे जो होते हैं, समुद्र में जहाज हो या जैसे नाव को लूटते हैं, ऐसे लोगों को जलदस्यु कहा जाता है। तो ऐसे जलदस्यु था बुधगुप्त और मणिभद्र जो थे वो एक व्यापारी थे और उनके यहाँ पे जो चंपा थी उसके पिताजी प्रहरी का काम करते थे, यानी कि जो सिक्योरिटी होती है, गार्ड होते हैं, उस प्रकार का उनका काम था। और बुधगुप्त जो था उसके साथियों के माध्यम से उस जो चंपा के पिता है उसका निधन होता है। अब ये मणिभद्र जो था वो चंपा को अपनी बनाना चाहता था, चंपा के मना करने पर उसको बंदी बना देता है। अब उसी साथ साथ में ही बुधगुप्त बंदी है, तो दोनों एक ही नाव में बंदी थे। और इसी प्रकार से हम जैसे शुरुआत में देखा कि बंदी मुक्त होना चाहते हो, तो दोनों मुक्त होने के लिए प्रयत्न करते हैं, रज्जू काटते हैं और फिर दोनों मुक्त हो जाते हैं और एक द्वीप पे आकर रहते हैं। अब ये जो द्वीप जो है वो दूर से दिखता था इसीलिए, और उसका नामकरण क्या होगा, तो उसका नाम जो है वो बुधगुप्त चंपा द्वीप रखता है। अब दोनों के मन में ये भीतर भीतर एक द्वंद्व उत्पन्न होता है। चंपा को बुधगुप्त से प्रेम भी है और घृणा भी है। चंपा बुधगुप्त से प्रेम करना चाहती है, किंतु जैसे ही वो विचार कि बुधगुप्त के जो साथी थे या बुधगुप्त जो था वो उसके पिता का हत्यारा है, चंपा को ये समझ नहीं आता कि वो क्या करे। आज के युवा की यही परिस्थिति होती है कि क्या करे क्या न करे। तो चंपा की ये स्थिति थी, चंपा नारी है और नारी के मन में मचल रहा ये द्वंद्व जो है वो बिल्कुल काव्यात्मक रूप से यहाँ पर प्रसाद जी ने हमारे सामने अभिव्यक्त किया है। और चंपा जो थी उसको लगता था कि बुधगुप्त ने ही उसके पिता को मारा है। बुधगुप्त कहता है, बार बार समझाता है कि उसके शस्त्र प्रहार से उनके पिता नहीं मरे है, उनके साथियों के शस्त्र प्रहार से मरे है। फिर भी
चंपा जो है उसको माफ नहीं कर सकती, क्योंकि वो उसके पिता का हत्यारा है, वो ये मानती है। किंतु उसके मन में बुधगुप्त के प्रति प्रेम भी है, बुधगुप्त उससे शादी करना चाहता है। चंपा के मन में भी ऐसा नहीं है कि उसको प्रेम नहीं है, वो शादी नहीं करना चाहती, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। उसका मन भी वही बुधगुप्त के प्रति लगा है, किंतु फिर भी एक तरफ जो विचार है वो बुधगुप्त को मार डालने का विचार होता है। कई बार वो कटार लेके बुधगुप्त को मारने का प्रयत्न भी कर लेती है, किंतु उसमें सफल नहीं हो सकती। किंतु ये जो प्रेम है वो अंतर्द्वंद्व का प्रेम है, घृणा और प्रेम की स्थिति हमेशा आज के युवा में होती है। तो एक तरफ नफरत भी होती है, इसी तरफ प्रेम भी होता है। चंपा जो है वो क्या करे, उसी अंतर्द्वंद्व में रहती है। और अंत में वो कहानी के अंत में जिस प्रकार से बुधगुप्त को वापस लौटा देती है, बुधगुप्त उसे कहता है कि तुम भारत देश चलो, किंतु वो नहीं आती। वो कहती है कि मैं अब मेरा जीवन इसी द्वीप पर रहेगा, यानी कि अपने प्रेम को वो त्याग देती है और उस द्वीप की सेवा करते करते एक दिन उसका जीवन द्वीप जो है वो बुझ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर नारी के जीवन की अंतर्द्वंद्व की कथा, नारी के जीवन में प्रेम और घृणा की व्यथा, और उस व्यथा में उसका जो निर्णय होता है वो क्या होता है, उस प्रकार की बात को ऐतिहासिक रूप से बुधगुप्त और चंपा के माध्यम से हमारे सामने अभिव्यक्त किया है। बुधगुप्त को पता है कि चंपा उसे प्रेम करती है, उसे बार बार मनाने का प्रयत्न भी करता है, किंतु चंपा के मन में हमेशा ये होता है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रसाद जी की कहानी जो है वो दुखांत होती है, खास करके उसे कहा जाता है कि प्रसादांत जिसे कहा जाता है, कि उनका अंत जो है उसी प्रकार से होता है। आप और कहानियों को भी देखेंगे, पुरस्कार कहानी में भी जिस प्रकार से अपने राष्ट्र के लिए अपने प्रेम को त्याग देते हैं, इसी प्रकार यहाँ पर भी चंपा जो है वो बुधगुप्त को त्याग देती है, वो भारत द्वीप को छोड़कर नहीं जाना चाहती और हमेशा एक दीपक जलाती रहती है उस याद में, और उस द्वीप पर जिस प्रकार से उसकी एक आशा का दीपक जलता है, इस प्रकार से इस कहानी में ऐतिहासिक रूप से नारी के जीवन के अंतर्द्वंद्व को, प्रेम और घृणा की जो स्थिति है और निर्णय न ले सकने की जो स्थिति है कि क्या करे, प्रेम को स्वीकार करे या घृणा को क्या करे, क्योंकि एक तरफ पिता का प्रेम है, एक तरफ अपना प्रेम है, किसको क्या करे, ये सोच जो है वो हमेशा उधेड़ मन की स्थिति जो है वो चंपा के मन में बनी रहती है, उसी प्रकार की स्थिति इस कहानी में हमें बताई गई है। दोस्तों तो ऐतिहासिक कहानी जिसके लेखक थे जयशंकर प्रसाद, बहुत बहुत धन्यवाद।